मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। बजट को लेकर सरकार ने प्रदेश की जनता से सोशल मीडिया के जरिए सुझाव मांगे हैं, जिस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर आम जनता से बजट के लिए राय मांगी है। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कहा कि मोहन यादव की सरकार है, जनता की सेवा हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि हम सेवा के उद्देश्य से राजनीति में आए हैं, जन कल्याण के काम जनता के माध्यम से और सुझाव से होते हैं। देखिए, जननायक माननीय मोहन यादव जी की सरकार है, जनता की सेवा हमारा संकल्प है और कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम सेवा के मिशन से राजनीति में आए हैं। जन कल्याण के जितने भी काम होते हैं वो जनता के माध्यम से जब सुझाव आते हैं तो उसको योजना के माध्यम से अमलीजामा पहनाया जाता है। इसीलिए जो सुझाव जनता देती है हम उसको मानते हैं। यही कारण है कि 21 साल से मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सतत अपना प्यार, लाड़ दुलार और आशीर्वाद देती आ रही है, क्योंकि हम जन कल्याण के काम करते हैं। जनता से, जो जनता के बीच से मांग उठकर आती है, उसको हम अमलीजामा पहनाने का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सुझाव मांगे जाने पर तंज कसा है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा कि जब मध्य प्रदेश सरकार के पास योजनाओं को चलाने के लिए पैसे ही नहीं है तो फिर सुझाव किस बात के लिए मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य सरकार ने चुनाव में जनता के बीच अपना रोड मैप और घोषणा पत्र रखा था, फिर वेबसाइट पर किस बात का अलग से सुझाव मांग रहे हैं। जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने चुनाव लड़ा, दोनों ने अपना रोड मैप जनता के बीच में रखा था, दोनों ने अपना घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था, तो ये वेबसाइट पर अलग से सुझाव किस बात का मांग रहे हैं। पहले इन्होंने घोषणा पत्र में जो आश्वासन दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विकास को लेकर, तो पहले उसकी तो बात करें। मध्य प्रदेश के पास पैसे ही नहीं है किसी नई योजनाओं को चालू करने के लिए। पुरानी योजनाओं को चालू करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, 70,000 करोड़ चाहिए पुरानी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए। तो ये नई योजना बिना पैसे के कौन सी चला रहा है, कौन सा सुझाव मांग रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।